इनमें से वो कौन है जिसके लश्कर ने मक्का पर ऐसा हमला किया कि काबा भी जल गया था? और आपके ऑप्शन है ए नमरूद, बी अब्रहा, सी यजीद, डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है सी यजीद। सही मुस्लिम की हदीस में अता से रिवायत है कि यजीद के दौर में जब अहले शाम ने यानी उसके लश्कर ने मक्का पर हमला किया जिसकी वजह से काबा भी जल गया तो उसकी जो हालत थी सो थी। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने काबा को उसी हालत पर रहने दिया, यहां तक कि हज के वक्त लोग मक्का में आने लगे तो उन्होंने कहा कि ए लोगों, मुझे काबा के बारे में मशवरा दो कि मैं इसको गिराकर उसे फिर से नया बनाऊं या इसका जो हिस्सा कमजोर हो चुका है सिर्फ उसी की मरम्मत करवा दो। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि मेरी राय यह है कि इसका जो हिस्सा कमजोर हो गया है आप उसी की मरम्मत करवा दें और बेतुल्ला को इसी तरह बाकी रहने दें। इस पर इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर तुम में से किसी का अपना घर जल जाए तो वो उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक कि उसको नया ना बना दे, तो फिर ये तो तुम्हारे रब का घर है, मैं 3 दिन अपने रब से इस्तखारा करूंगा, उसके बाद अपने काम का पुख्ता अजम करूंगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3245।